What's up everyone, my name is PK and welcome back to my YouTube channel. Alright guys, so today we are going to make Iron Spider-Man from Spider-Man No Way Home. I love Spider-Man. So let's do its realistic outline today. So first of all, we will make its basic structure. So we will start with its face. So first we will create a 1 square to make its face. तो गाइस वीडियो थोड़ी ऊपर की साइड कट गई थी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अब देखिए, नाउ यू सी इट्स फेस इन द रेफरेंस फोटो। द फेस इज इन इट्स स्लाइटली ओब्लिक डायरेक्शन। सो टू मेक द फेस, वी फर्स्ट क्रिएट 1 square, ड्रॉ ए सर्कल इनसाइड इट एंड देन क्रिएट अ वर्टिकल लाइन एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट, वर्टिकल लाइन वी विल मेक ए लिटिल ओब्लिक। सो आफ्टर मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, नाउ वी विल मेक द बॉडी प्रोपोर्शन ब्लॉ इट एंड नाउ आई मेड ए स्ट्रेट लाइन टू मेक द चेस्ट एंड स्टोमक। तो फेस की स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम नीचे की बॉडी पोर्शन को बनाएंगे। सो अब हम राइट आर्म की बॉडी शेप बनाएंगे। ठीक, सो यार ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना यार, मोटिवेशन मिलता है और रेगुलर वीडियो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर 800 सब्सक्राइबर्स। और यार जल्द से जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दीजिए गाइस। ओके, अब देखिए हमने बॉडी स्ट्रक्चर तो बना दिया। अब बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब सेकेंड जो स्टेप आता है वो आता है इसमें। तो अब हम फेस की आई को डिज़ाइन करेंगे और इसके जो फेस में जाल है उसको बनाएंगे। ऑलराइट, और हम इसकी एक्स्ट्रा लाइनों को इरेज कर लेंगे। ठीक, अब जो मतलब बीच का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जो टच हो रही थी वहाँ हम नोज़ को क्रिएट करेंगे, मतलब नोज़ आएगी और नोज़ का मतलब यार शेडो आएगी। और अब मैंने यहाँ तक एक लाइन बना ली है और यहाँ तक हमको आई को रखना है। राइट, तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। हो यार कमेंट करके बताना और आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक कर देना यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, और गाइस यार पिछले वोटिंग आपने कमाल कर दिया, मतलब 88% स्पाइडरमैन को। और यार ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करिए, 295 लोगों ने वोटिंग की थी। ऑलराइट यार, काफ़ी इम्प्रेसिंग रही थी।
अब देखिए गाइस, मेन जो बात आती है, अब बीच का जो इसके मतलब फेस का जो जाल है उसका डिज़ाइनिंग करना, यार बिगिनर्स की बात बताऊँ तो जो जाल में जो घुमाव है उससे हमें 3D इफेक्ट आता है। अब देखिए, ऐसे ही नहीं बस कहीं से कहीं आपने जाल बना दिया, फेस को अच्छी तरीके से देखिए किस एंगल में है तो उसी एंगल में मतलब इसके जाल बनेंगे गाइस। तो मैंने जो क्या करना है, जो बीच के दो जाल हैं नोज से मतलब हट के थोड़ा सा कर्व्ड होते हुए जब नीचे की साइड करें, आप देख सकते हैं जो नोज की साइड के दो लेफ्ट और राइट साइड के जो जाल हैं ठीक, उससे क्या है कि एक उभार बनाएगा फेस में। राइट सो अब देखिए, अब हम इसके अदर्स जाल को क्रिएट करेंगे। अब हम इसकी माइनर मिस्टेक को सही करेंगे जो कि गलतियाँ रह गई हैं, जैसे कि लैग में कुछ आड़ापन टेढ़ापन को सही करेंगे। ऑलराइट सो अब हम इसके मतलब
Yeah, and I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same. And I don't wanna be all alone. Just pull me apart, take me away. Tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still alive. So guys, I hope you liked the video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel for more interesting drawing videos. So, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है गाइस? और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में. बाय.